नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। हरिद्वार के नवोदय नगर रोशनाबाद में वन जुजर बस्ती के कमरे को वन विभाग का बताकर दो दिन पहले बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन की मदद से ताला लगवा दिया था, जिसके बाद अपनी बात को लेकर मुस्लिम समाज के लोग आज बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और वन विभाग, नगर पालिका, पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार के सक्षम अपना पक्ष रखते हुए बताया कि घर में हिंदूवादी संगठनों के दबाव में आकर अधिकारियों को बुलाकर विद्युत विभाग ने हमारे बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था, जिसके बाद हमको परेशान किया जा रहा है और विभाग के द्वारा बिना किसी कसूर के हमारे ऊपर लकड़ियां चोरी करने का आरोप भी लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जुमा वाला दिन बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच की तरफ से जो अवैध तरीके से वहाँ मस्जिद और मदरसे में जो है धावा बोलकर बदतमीजी की गई है और धार्मिक पुस्तकों के साथ बेदबी की गई है, चप्पल समेत उसमें घुसा गया और वन विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग और नगर पालिका को मौके पर बुलाकर, जैसे वो मुख्यमंत्री हों, जैसे वो डीएम एसएसपी हों, सारे विभागों को उन्होंने बुलाकर अनावश्यक रूप से अवैध कार्रवाई कराई गई है। विद्युत विभाग ने चोरी का मुकदमा कायम कर दिया, जंगलात वाले उनकी लकड़ियाँ जलाने की अपनी निजी लकड़ियाँ उठा कर ले गए, राजस्व विभाग कह रहा है ये ज़मीन इनकी नहीं है और नगर पालिका ने जो है बेहद निंदनीय रूप से उसमें ताला जड़ दिया। पौड़ी जनपद के बीरोखाल क्षेत्र में बेजरों के पास एक रोड रोलर अचानक से अनियंत्रित होकर पास की नायर नदी में गिर गया। इस हादसे में दो लोगों को चोट आई है, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि रोड रोलर चालक, जिसकी उम्र 40 साल है, वो डामरीकरण के काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। तभी किसी ने रोड रोलर चालक से पास के गांव से छोड़ने के लिए लिफ्ट मांगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर यह हादसा हो गया। रोड रोलर गहरी खाई में नायर नदी के पास जा गिरा। हमारे पास से एक्सीडेंट के साथ 108 से, इसमें बताया गया कि दो लोग रोलर में जो चढ़ा रहे थे वो गिर गए नदी में, तो अभी इनका जो प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी एक को तो बहुत कम चोट आई है, एक को थोड़ी बहुत इससे इससे और थोड़ा चोट आई है, उसकी ड्रेसिंग वैसिंग का भी जाँच किया गया है और उसको बाहर जाँच के लिए अच्छे रक्षे के बाहर भी किया जा रहा है। आगामी 2022 के चुनाव से पहले लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों की हालत सुधारने का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से जिन सड़कों में गड्ढे हो गए थे, जो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई थी या फिर बाहरी वाहनों के चलते टूट फूट गई थी, ऐसे में इन सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। जहाँ कार्य कई कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है, वहीं इन सड़कों पर बने गड्ढों के मरम्मत के कार्य से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं और लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब इससे असंतुष्ट हैं। इसी चर्चे में बात करते हुए दो तीन दिन से हमारी मीटिंग बैठ रही है और उस बीच हमने एक अभियान चलाया जिसमें हमारा साइन इन करेंगे और हाथ में तुम्हारा थप्पा लगेगा, जिससे तुम्हारा हर कोई किसी को पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति इसके खिलाफ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये रोड नाग जो टल्ले बड़े जा रहे हैं इनको बंद करके इनको नवीनीकरण किया जाए, उनको पूरा डामरीकरण किया जाए, ताकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते जाते हैं, कभी कोई गाड़ी रपट जाती है, कभी किसी को चोट लग जाती है। इससे हमें नहीं आगे कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति भी आता है, उन्हें भी दिक्कत होती है। पंतनगढ़ में बीते एक महीने पहले नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए नगला किच्छा राजमार्ग 44 और गोविंद बल्लभ पंत कृषि की संभावित की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद अब राजनीति लड़ाई भी तेज होती नजर आ रही है और सत्तारूढ़ की पार्टी बीजेपी विपक्षी दलों पर कोर्ट में पीआईएल दायर करने का सीधा सीधा आरोप लगा रही है। तो विपक्षी दल भी बीजेपी सरकार पर गरीबों को उजाड़ने की साजिश बता रही है। इसको लेकर दोनों ही दलों के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। आज इसी के तहत नगला के गोलागोट स्थित चौराहे पर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में नगला वासियों ने एक बैठक आयोजित की। देखिए, सबसे पहले तो हम कानून का जो है, माननीय उच्च न्यायालय का जो इसमें निर्देश हुआ है, उसके आधार पर ही हम काम कर रहे हैं और अपने जो कागज हैं उनको हम पुख्ता तरीके से निकाल रहे हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी बात को उच्च न्यायालय में कह पाएँ और हम उनको अपनी बात समझा पाएँ कि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं।
और रही बात सरकार की, तो क्षेत्रीय विधायक माननीय राजेश शुक्ला जी का लगातार हमें सहयोग मिल रहा है और उनके निर्देशन में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है क्योंकि सरकार समझ रही है कि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं और हमने कहीं भी किसी भी पीडब्ल्यूडी पे या फिर तराई स्टेट की ज़मीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जो दस्तावेज हैं, जिस तरीके के हमने पुराने दस्तावेज सन 1976 से पहले, 1953 से पहले के जो हमने दस्तावेज निकाले हैं, उसमें कहीं पर भी पीडब्ल्यूडी दर्ज नहीं है। ये खंती में दर्ज है और 1976 में ये पीडब्ल्यूडी में दर्ज हो गया, जो कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड है, ये गलत है, ये मिस्टेक से, मानवीय मिस्टेक से कहीं ना कहीं दर्ज हुआ है ये। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत दून कनेक्ट योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर से सेलाकुई के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा गया है वो भी जल्द पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के चलते निर्माण कार्यों में रफ्तार जरूर धीमी हुई थी, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होते ही कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक जो बसों का रायपुर से लेकर सेलाकुई तक जाना और पूरे शहर से गुजरते हुए आम जन को उसको सुविधा मिलेगी, और मैं कह सकता हूं कि जो लेबर तबका है, कर्मचारी है, क्योंकि सेलाकुई सहजपुर एक जिस तरह फैक्ट्री एरिया है और रायपुर से होकर के और कम दाम में और कम समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसी सौगात आज मिली है और देहरादून वासियों को और सभी जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है, एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर तक दौड़ना जाना इसका तय है। भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को 13 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। घटना का खुलासा भगवानपुर थाने में हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया है। और आपको बता दें कि बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान भगवानपुर थाना पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका और उससे गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं दिखा पाया, जिसके बाद गहनता से जांच की गई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। चोरी का रोकथाम है तो हमारे जो कार्रवाई में कल हमें सफलता मिली है। एक संदिग्ध बाइक को पूछताछ करने पर जो है उन्होंने कबूल किया कि 4 दिन पहले भगवानपुर थाने से चोरी किया है और पूछताछ में साथी के नाम के कागज पाए हैं और 13 मोटरसाइकिल ने इन दोनों से रिकवर किया है, जिसमें 2 थाना भगवानपुर का है, 1 चंद्रगढ़ का है, 2 राज्य हरियाणा का है और 1 जनपद सहारनपुर का है और बाकी 7 मोटरसाइकिल कंटिंग का कार्रवाई हम कर रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।